दोस्तों फाइनली 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 वेडिंग फोटोग्राफी के काम को कंप्लीट करने के बाद एक बार मैं फिर से वापस आ चुका हूं बिहार। दोस्तों बिहार आने की जानकारी तो मैंने आपको कल ही दे दी थी कि भाई मेरा वेडिंग फोटोग्राफी का काम कंप्लीट हो चुका है और कल रात को मेरा बिहार के लिए ट्रेन था जमशेदपुर से। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 1-1.5 घंटा पहले मैं अपने घर यानी कि अपने गांव पहुंचा हूं और भाई थकान इस वक्त काफी है। पहले तो भैया वेडिंग फोटोग्राफी का थकान था और उसके बाद भाई फिर जर्नी का थकान। तो मैंने सोचा कि भैया आराम करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तो दे दूं, जो कि भैया बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की आ चुकी है फिल्म यानी कि सेल्फी से जुड़ा हुआ है। यानी कि भैया सेल्फी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई 1 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। तो भाई इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन मिला है और इस कलेक्शन को देखने के बाद क्या हम सेल्फी से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट निकाल कर भैया 2023 की शुरुआत खिलाड़ी कुमार के लिए अच्छी कर पाएगी। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब आपको सेल्फी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों सेल्फी को लेकर जो रिपोर्ट हम लोग के सामने आई है वो बहुत ही दयनीय है मेरे भाई। यानी कि फिल्म तो बहुत अच्छी थी, इस फिल्म में अक्षय कुमार ने काम भी बहुत ही जबरदस्त किया था, इमरान हाशमी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और उसके बाद भैया इस फिल्म की कहानी इतनी भी बुरी हम नहीं कह सकते हैं कि भैया उसे ऑडियंस इस तरह से नेग्लेक्ट कर दे। यानी कि भाई मैंने तो इस फिल्म को पूरी तरह से इंजॉय किया और भाई जिन लोगों ने भी इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखा वो यही बात कह रहे थे कि भैया वाकई में ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। भले ही ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल रीमेक है, अगर उस बात को हम साइड हटा दें तो भैया इस फिल्म में अक्षय कुमार ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन भैया उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी उनकी इस फिल्म को अगर 2 करोड़ 55 लाख रुपए का बिजनेस पहले दिन मिलता है तो उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म को फ्लॉप होने से बस एक ही बात बचा सकती है और वो बात है माउथ पब्लिसिटी। यानी कि भैया इस फिल्म को माउथ का इतना सपोर्ट मिले यानी कि भैया ऑडियंस इस फिल्म को लेकर इतना हाइप क्रिएट करे जो कि भाई पठान के लिए हुआ था। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म को लेकर कोई हाइप क्रिएट होगी। यानी कि भैया फिल्म अच्छी है, फिल्म बेहतरीन है, इस फिल्म को जब लोग जीरो की तरह भैया OTT प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, ये सेटेलाइट चैनल्स पर देखेंगे तो बोलेंगे कि भैया वाकई में फिल्म तो अच्छी थी, इस फिल्म को हम लोगों ने सिनेमा घरों में देखने से ये देखने का जो मौका है ना उसे चूक गए भाई हम लोग। लेकिन भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने जा रही है, इस बात का आभास इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से हो रहा है। तो भाई आज थकान काफ़ी है, आज का मेरा ये पहला और आखिरी वीडियो है, कल से फिर हम लग जाएंगे अपने काम में। तो कल से आप हमारे सारे वीडियोस लगातार देख सकते हो क्योंकि इस वक्त आपका ये भाई जो है वो काफ़ी थकान में है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।